हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोंदोलिम बीच। आज है 1 जून और मैं आया हूँ कोंदोलिम बीच पर। यूजुअली जो है गोवा का सीज़न एंड हो जाता है जून में, तो यही देखने आया हूँ कि इस बार जो जून है उसमें क्या क्या चीज़ें ओपन है और जो वाटर स्पोर्ट्स है वो ओपन है कि नहीं है, शैक्स अभी ओपन है नहीं है और क्राउड कैसा है। तो ये हम आ चुके हैं मेन एंट्री पॉइंट पे कोंदोलिम की, और आप देख सकते हैं कि क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट मंथ जब मैं आया था मई में, उससे मुझे ज़्यादा लग रहा है क्राउड इस टाइम पे जून में, क्योंकि अभी जो है वेकेशन ऑन है, अभी सारे स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां हैं, इस वजह से जो फैमिली क्राउड है वो सबसे ज़्यादा इस समय देखने को मिल रहा है कोंदोलिम बीच पे। और सारी जो शॉप्स है ये सब ओपन है, और ये आप कभी भी आए मानसून सीजन में आएंगे तब भी ओपन रहेगी सारी शॉप्स, ये एंट्री पे हमेशा ओपन रहती है। तो ये ओपन है, और जो वेदर है आज मॉर्निंग में जो है थोड़ा सा क्लाउड आए है, सुबह से क्लाउड है आज, और बारिश नहीं हुई है। तो अगर आप आ रहे हैं तो अभी भी जो है बारिश फ़िलहाल गोवा में स्टार्ट नहीं हुई है, बट आप देख सकते हैं बादल है और वो सुबह से है। धूप थोड़ी सी निकलती है बट ऑलमोस्ट पूरा कवर्ड है बादल से। और जो शैक्स है अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा मई का, तो यहाँ पे शैक जो है वो ओपन था, बट यहाँ पे जो शैक है उसे वाइंड अप कर दिया गया है। और जो लेफ्ट हैंड साइड पे एक और शैक है, ये भी ऑलमोस्ट जो है वाइंड अप होने जैसा ही दिख रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें हटा दी गई है, आप देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन है अभी जून में, पर एक चीज़ देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि वाटर स्पोर्ट्स जो है वो हो रहे हैं। अभी वाटर स्पोर्ट्स जो है वो क्लोज नहीं हुए हैं, तो हम देखते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा कोई डिस्कस कर सके वाटर स्पोर्ट्स वालों से, तो हम उनसे बात करके देखते हैं कि अभी ओपन है और ये कब तक ओपन रहेगा। तो मैं किसी से बात ही नहीं कोशिश करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो ये वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर हो रहा है, और जो वाटर स्पोर्ट्स करवा रहे मैंने उनसे बात करी, तो वो कह रहे हैं कि आज वेदर क्योंकि अलाउ कर रहा है उनको वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए, तो इसलिए वो कर रहे हैं। अगर बारिश आई तो ये अभी, अगर बारिश आई तो अभी भी बंद कर सकते हैं, और कल बारिश हुई तो कल बंद रहेगा। तो मतलब डाइसी है, कुछ कह नहीं सकते हो। आपकी वाटर स्पोर्ट्स जो है वो कल आएंगे आप तो होगा, परसों आएंगे तो होगा, एग्जैक्टली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बारिश के ऊपर है ये पूरा। अभी गोवा में बारिश स्टार्ट नहीं हुई है, इस वजह से जो है ये एक रियायत कह सकते हैं गवर्नमेंट ने दी है कि ठीक है आपका सेटअप है और बारिश नहीं आई है तो आप वाटर स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ये एकदम रिस्क पर है, किसी भी दिन ये बंद हो सकता है। पर फिलहाल अभी बंद नहीं है ये ज़रूर हम कह सकते हैं। और एक और यहाँ पे शैक है ये, और ये भी पूरा जो है आप देखेंगे तो वाइंड अप हो रहा है, ये पूरा क्लोज हो रहा है। और वहाँ पे एक और शैक है जो कि ऑलमोस्ट उसने अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है उसे निकाल दिया है, और जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा है उसको वो वाइंड अप कर रहे हैं। तो सामने जो ये हट बनी हुई है सारा सामान जो है वो यहीं पर जो है स्टोर किया जाता है नेक्स्ट सीज़न के लिए, और जब परमिशन मिलती है तो यहीं से पूरा सेटअप चालू करते हैं। तो ये सिचुएशन है अभी कैलंगुट की मंथ ऑफ जून 1 तारीख को, और आप देख सकते हैं करंट बहुत तेज़ है यहाँ पे। आपने मेरा साउथ गोवा वाला अगर वीडियो देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे जो सी जिस तरह से वहाँ बिहेव कर रहा था वो यहाँ नहीं कर रहा। आप देखें कितना तेज़ करंट आ रहा है, और इस समय मैं यही कहूँगा बारिश का टाइम जैसे ही स्टार्ट होता है आप थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा इस टाइम पे,
बिल्कुल जो लाइफगार्ड कह रहा है बिल्कुल आप उसे सुने, और जिस जगह पे लाइफगार्ड नहीं है वहाँ तो आप पानी में बिल्कुल जाने की कोशिश भी मत करिएगा। बट आप बहुत ज़्यादा जो है वो अलर्ट रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो पानी है वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये सिचुएशन है अभी गोवा में 1 जून पे। क्राउड बहुत है, क्राउड नो डाउट बहुत ज़्यादा है, बट शैक्स जो है वो धीरे धीरे वाइंड अप हो गए हैं। पर अगर आप जो है कोंदोलिम आते हैं तो यहाँ पर ये एक आप देखिए सैंड बॉक्स करके एक आपको ये शैक दिख रहा होगा, ये वाला, ये परमानेंट रेस्टोरेंट है यहाँ का। आप किसी भी सीजन में आए, बारिश हो रही होगी, बहुत तेज़ हो रही होगी, ठीक है, तब भी ये ओपन रहता है, पूरे साल ओपन रहता है और अपनी सर्विसेज देता है। लास्ट ईयर भी मैंने इस पे वीडियो बनाया था और ये इस साल भी जो है वो ओपन रहेगा। अगर आप आ रहे हैं तो ये शेक जो है या रेस्टोरेंट हम जिसे कहें वो ओपन रहने वाला है, तो यहाँ आपको मिल सकता है। बाकी आप यहाँ पे बीच पे बैठ सकते हैं, सी में नहीं जा सकते हैं, बारिश हो रही है तो आप उसको व्यू देखें, इंजॉय करें, पर केयरफुल रहिएगा पानी में जाने। थोड़ा उस तरफ चलते हैं जो कि यहाँ का बहुत फेमस शेक है, बॉबी शेक, वो अभी ओपन है कि वो भी क्लोज हो गया है, उसको चल के देखते हैं। तो इस जगह पे जो है वो बॉबी शेक होता था, बट उसने अपना वाइंड अप कर लिया है और यहाँ पे एक और शेक है और उसके पीछे भी शेक से, जो कि सब लोग जो है वो क्लोज करने में लगे हुए, सारा जो है शेक वो वाइंड अप हो रहा है। तो अब आप जब जून में आएंगे तो जो सबसे ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा इस जगह पे वो मिलेगा आपको बागा पे। बागा पे ही सबसे ज़्यादा परमानेंट शैक्स है, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है जो कि मॉनसून सीज़न में ओपन रहती है। तो आप अगर इस टाइम पर आ रहे हैं जून में तो आपके पास सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो बागा है, या फिर वाघा तोड़ के जो सन टाउनर्स है वो ओपन रहते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। देखिए एक वार्निंग लगी हुई है, तो मॉनसून में ऐसी वार्निंग्स जो है वो लग जाती है, तो आप प्लीज़ केयरफुल रहें। और जो भी ऐसी वार्निंग्स होती है और जो लाइफगार्ड कहता है आप उनको ज़रूर सुने। तो अब हम ये ऑफिशियली कह सकते हैं कि जो गोवा का सीज़न है, टूरिस्ट सीज़न है, वो बिल्कुल एंड होने की कगार पर है, और कुछ दिन और है जब तक बारिश नहीं आती है। तो ये जो थोड़ा बहुत एक्टिविटी हो रही है आप उसका मज़े ले सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ये सीज़न जो है ऑफिशियली तो 1 जून को एंड हो जाता है, बट टेक्निकली अभी भी थोड़ा बहुत ऑन है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। देखिए सामने पैरासेलिंग कर रहे हैं और जेट्स की अभी भी कर रहे थे कोई। तो ये है 1 जून कोंदोलिम बीच से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस मंथ में मैं और भी जिस बीचेस पे जाऊंगा वो आपको दिखा सकूं और आपका उसके पास नोटिफिकेशन आ सके तो आप उसको देख सकें। तो दैट्स इट, इस वीडियो में रखते हैं बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।